Hi, आज I'm going to share with you my fashion must haves for Diwali. I'm थोड़ा सा sad because my room is changing again and ये जो backdrop है ये चले जाएगा and सबको ये बहुत पसंद आ रहा है तो this is probably the last video ये backdrop में. लेकिन let's start. मेरा first must have होगा एक basic plain golden या ऐसा rose gold type का crop top. ये वाला मैंने India से लिया था. Technically since जो brand से मैंने लिया है वो Indian wear के लिए है, इसको blouse के तौर पे बेच रहे हैं. लेकिन I think ये definitely denim के ऊपर भी पहन के क्लबिंग वबिंग या कहीं अच्छी जगह जा सकते हैं. बट द रीजन बाय ये मैं मस्ट हैव्स में डाल रही हूँ इस बिकॉज इसको अगर लहंगे के साथ पेयर किया तो भी चलता है एंड अगर कोई मस्ट शरारा या लिटरली एनीथिंग कैन गो विद दिस. इसलिए एक गोल्डन टॉपर होना इज अ मस्ट. फुल स्लीव हाफ स्लीव डजंट मैटर बट जस्ट हैविंग लाइक अ न्यूट्रल वन इज नेसेसरी. माय सेकंड मस्ट हैव इज अ गुड कॉटन सेट. ये वाला मैंने वैसे तो भाई दूज के लिए लिया था कि एकदम खुला खुला एकदम फ्लोई एकदम कंफर्टेबल पहनने के लिए. लेकिन ऑनेस्टली आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वेयरिंग इट दिवाली के साफ सफाई के टाइम पे, क्योंकि साफ सफाई के टाइम पे खुला खुला पहनना जरूरी है यार. एकदम टाइट कपड़े और वैसे तो हो ही नहीं सकता. एंड सिंस इट इज फेस्टिव, मैं कभी मेरी लाइफ में इतना फेस्टिव कपड़े पहनने की इच्छा नहीं की जितना इस फेस्टिवल सीजन कर रही हूँ. तो मैं कुर्ता ही पहनना प्रेफर कर रही हूँ एंड आई हैव बीन वेयरिंग दिस काइंड ऑफ सेट्स अ लॉट. ये वाले सेट्स यूजुअली 1000 के नीचे इजीली मिल जाता है एंड देयर एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप इसको ऑफकोर्स फेस्टिवल्स के बाद भी पहन सकते हो क्योंकि देयर सिंपल ना, देयर नॉट एकदम ऐसे चमकीले कि यू कांट वेयर देम आफ्टर दिवाली इज ओवर. माई थर्ड मस्ट हैव इज सिंपल गोल्ड या रोज गोल्ड ज्वेलरी. तो आई हैव दिस, द ओल्डेस्ट वन आई हैव इज दिस वॉच फ्रॉम माइकल कॉर्स. अभी तो इसमें बैटरी नहीं है लेकिन ये स्मार्ट वॉच है. तो ये लेने के पीछे मेरा मोटिव था कि हर बार इसका मैं डायल चेंज कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द आउटफिट आई एम वेयरिंग. लेकिन इफ यू डोंट वॉन्ट टू फॉलो इन द झंझट ऑफ चार्जिंग अ वॉच तो आप इजी नॉर्मल वॉच भी ले सकते हो. दिस वन आई गॉट फ्रॉम डैनियल वेलिंगटन एंड इसका ब्रेसलेट भी है. इट्स नॉट अ सेट, आई थिंक ये ब्रेसलेट तो 2 साल पुराना है शायद या 1 साल, याद नहीं अपने को. लेकिन दी सिंपल पीसेस कम इन वेरी हैंडी जो भी कंफ्यूज हो जाता है लास्ट मोमेंट पे कि क्या पहनना है. एंड जल्दी से आई डोंट वेयर बैंगल्स, तो वॉचेस एंड सिंपल ब्रेसलेट्स इज माय गो टू. अभी ज्वेलरी में मैंने जो ज्वेलरी पहना है ना टेक्निकली वो भी फेस्टिवल में आता है बट ये ग्रीन एंड पिंक है. पर्सनली मुझे थोड़ा लिमिटेशन आता है इसको पेयर करने के लिए आज भी बिकॉज मैंने पिंक कुर्ता टाइप्स पहना इसलिए मैंने ये पहन लिए. लेकिन सपोज मैंने कुछ ब्लू पहना था लाइक इसके साथ शायद मैं ना पहनती. ओ आई शो यू ज्वेलरी सेट लाइक अ प्रॉपर इयररिंग एंड नेकलेस सेट टू, लेकिन दिस इज फॉर लाइक द हैंड्स. नेक्स्ट आई वुड टोटली रिकमेंड हैविंग अ सिंपल, एकदम प्लेन एंड सिंपल लहंगा. एक्चुअली मेरे पास प्लेन लहंगे काफी सारे कलर्स में है, जैसे पिंक है, गोल्डन है, नेवी ब्लू है और ये ऑरेंज है. बिकॉज इसके साथ अगेन कोई भी टॉप जा रहा है, इमेजिन दिस कॉम्बो एंड जस्ट द दुपट्टा, इट इज सॉर्टेड एंड दैट इज वाइज प्लेन लहंगाज आर गुड बिकॉज अगेन इसके साथ दुपट्टा आप कुछ भी पेयर कर सकते हो एंड यू कैन ईदर मेक इट अ हैवी आउटफिट और सिंपल आउटफिट. तो माई नेक्स्ट मस्ट हैव इज अ जैकेट लाइक दिस. ये भी इंडिया से है एंड इट इज वेरी फ्लोई, वेरी इजी ब्रीजी बट इजिली कोई भी आउटफिट को एक यू नो इट टाइज एन आउटफिट टुगेदर, पूरे आउटफिट को एकदम कलेक्टिव दिखाता है. तो अगर आपको ये लहंगे वाले लुक को थोड़ा सिंपल बनाना है ना तो आपके गोल्डन ब्लाउज के साथ ये लहंगा पहन लो और ऊपर जैकेट पहन लो, तो स्लाइटली इंडो वेस्टर्न और हल्का आउटफिट हो गया. एंड इफ यू वांट टू मेक इट हैवी तो आता है मेरा नेक्स्ट वन व्हिच इज अ हैवी दुपट्टा. एंड इस टाइप का हैवी दुपट्टा पेयर करके ये आउटफिट हैवी भी हो सकता है. सो दिस दुपट्टा हम लाए थे श्रीनाथ जी से मोस्टली एंड आई थिंक तभी कुछ 1300-1400 का लिया था क्योंकि इसमें जो बांधनी वर्क है वो आई थिंक ओरिजिनल है. मैं 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन इट वॉज एक्सपेंसिव फॉर अ रीजन. तो ये दुपट्टा हम कम से कम 20-30 बार पहन चुके हैं एंड और बहुत पहनेंगे बिकॉज ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ है ना, इसकी बॉर्डर्स और बीट्स खराब हुई है. एंड जब भी हम एक्सपेंसिव ऐसा इंडियन वेयर लेते हैं तो वी मेक श्योर कि क्वालिटी उसके हिसाब से वर्थ होनी चाहिए. लाइक बॉर्डर पे वर्क भी इसका बहुत ही क्लीन, बहुत साफ और बहुत इंट्रिकेट वर्क है, मतलब बारीकाई वाला काम है, इसलिए इसका जो रेंज था वो ज्यादा था. बहुत ही सिमिलर दुपट्टा मैंने अभी ऑनलाइन लिया था कुछ 300-400 रुपए में. तो इट डिपेंड्स, मतलब अगर आपको अफोर्डेबल जाना है तो भी ले सकते हो बस जस्ट लास्ट लेसर. तो इट इज टोटली पर्सनल प्रेफरेंस, लेकिन एक हैवी दुपट्टा होना तो मस्ट है बिकॉज एक सादे कॉटन सेट पे भी यू कैन जस्ट क्विकली वेयर इट इफ यू हैव टू गो आउटसाइड और समथिंग, तो बहुत हैंडी आता है वैसा. माय सेवेंथ दिवाली मस्ट हैव इज एन अनारकली. अभी ये एकदम भी ज्यादा घेरा वाला अनारकली नहीं है लेकिन एक बेसिक शेप है अनारकली का एंड ये भी एकदम हैवी लुक आता है एंड उसमें बस सिंपल एक ड्रेस पहनने से एक पूरा आउटफिट हो जाता है. क्या दुपट्टा रखना है, क्या नीचे रखना है, कुछ सोचना नहीं पड़ता. तो न्यूट्रल कलर्स हेल्प अ लॉट लाइक दैट.
लेकिन एक वन पीस जैसा आई थिंक होना जरूरी है, बिकॉज भाग दौड़ में काफी बार नहीं स्ट्राइक होता क्या पहनना है, या ऐसे न्यूट्रल पीसेस होते तो इजिली मिक्स एंड मैच एंड पेयर अप हो जाता है. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड हैविंग अ गुड न्यूट्रल पीस इन अनारकली. हाँ, फिर आता है तो ज्वेलरी आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट कंपेयरिंग जो मैंने अभी पहना है. तो ऐसे टाइप के जो सेट्स आता है ना, कुंदन सेट्स, That I think have been the best investment जो मैंने ये दिवाली किया था, बिकॉज वो सबके साथ मैच होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक मस्त लुक क्रिएट करना था ये ऑरेंज लहंगे के साथ, एंड मेरे पास खास कुछ ऑरेंज कलर की ज्वेलरी नहीं थी, तो मैंने एक कुंदन का चोकर पहना एंड पूरा लुक एम्प अप हो गया. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि एक ऐसा न्यूट्रल पीस ना बहुत काम लगता है, पता है, किसी भी चीज में पैर अप हो जाता है. तो आई रिसेंटली डिड अ ज्वेलरी हॉल, उसमें मैंने ये सबसे महंगा वाला था, 1100-1200 रुपए का था ये सेट, लेकिन उसी हॉल में 400-500 भी कुंदन के बहुत अच्छे सेट्स थे. तो यू कैन चेक दैट आउट एंड यू कैन चेक लोकल शॉप्स आउट आल्सो, बिकॉज कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि लोकल स्टोर्स में ऐसा ही सामान थोड़ा सस्ता मिलता है. बट आई वांटेड टू गो फॉर क्वालिटी अगेन, जो मुझे सालों साल टिके एंड मुझे रस्ट लगने का या बार बार रिप्लेस करने का टेंशन ना लेना, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भर के ऑनलाइन ही ले लिया. बट द क्वालिटी ऑनलाइन इज रियली गुड, मतलब जो मैंने लिया था उसमें सारे के सारे सेट्स अच्छे निकले. ये भी बिल्कुल काला नहीं पड़ा है, मैंने खुले में रखा था. एंड या तो दैट इज आई रिकमेंड having a simple no color wala jewelry set. Second last I think mera sabse important must have hai, which is neutral pants. To ek hai mere paas ye golden pant jo maine kuch 4 saal pehle li thi, isliye itne chote size mein hai. Yep, I was very tiny back then. Abhi to kafi वजन बढ़ गया है, बट आई एम ओके. आई मीन ये होने वाला है गिवन कि मैं एक्सरसाइज नहीं की हूँ ज्यादा, बहुत सारा खाना खाया है. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हर वीडियो में मेरा शुरू हो जाता है वजन बढ़ गया, बट आई वॉन्ट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस के यू डोंट हैव टू हेट योर सेल्फ अगर वजन बढ़ गया है. तो उतार चढ़ाव लाइफ में आता है, वैसे बॉडी में भी कभी कभी आ जाता है, बार बार नहीं आने चाहिए क्योंकि वो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता बार बार वजन बढ़ाना और घटाना. लेकिन यू डोंट हैव टू हेट योर सेल्फ, बस वर्क ऑन द करेक्टिव मेजर और टेंशन नहीं लेने का कभी भी. The other neutral colors are white. एक वाइट पैंट मैंने रिसेंटली मिंत्रा से ली थी, आई थिंक 350 के आसपास की थी, ये ग्रेट इन्वेस्टमेंट. एंड अनदर वन दैट आई हैव इज अ ब्लैक पैंट, ये इंडिया से है लेकिन ये वो शाइनी मटीरियल है, तो दिस इज स्लाइटली हैवियर, बट इसके कॉस्ट में भी फिर वो दिख के आता है, ये मुझे 1000 के ऊपर की पड़ी थी ये पैंट. तो ऐसे सिंपल पैंट्स अगर होते हैं ना तो किसी भी चीज के साथ मैच हो जाते हैं. अगर कभी कुछ कुर्ता शॉर्ट लग रहा है या सपोज आपको कहीं जाना है जिधर आप डायरेक्टली सिर्फ अनारकली पहन के जाने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो एक झटके में आप इसके साथ एक गोल्डन पैंट पेयर कर सकते हो. तो यू डोंट हैव टू हैव अ पैंट ओनली, आप शरारा भी या सिंपल वाइट चूड़ीदार भी रख सकते हो, लेकिन बेसिक कलर्स में बॉटम वेयर, इंडियन बॉटम वेयर होना इज अ मस्ट. एंड माय लास्ट फैशन मस्ट हैव फॉर दिवाली आर ऐसे सिंपल सादे मोजड़ी. ये मेरे को लिटरली 150 के मैंने लेके आई थी श्रीनाथ जी से, एंड मैंने पिंक कलर भी लिया था, लेकिन मैंने ये कलर सबसे ज्यादा पहना है बिकॉज इट इज मैच्ड विद एवरी सिंगल थिंग जो मैंने आपको बताया. मैंने आपको ब्लूज बताया, पिंक्स बताया, व्हाइट, गोल्डन, बेज, सबके साथ ये मैच हो जाता है. एंड दैट इज आई थिंक कि अगर मेरे को और महंगे भी लेने पड़े ना, लेकिन मैं ये कलर में लूंगी क्योंकि सबके साथ मैच हो जाता है इजिली. तो एक बेसिक इंडियन जुत्ती या मोजड़ी होना बहुत जरूरी है. इफ यू डोंट वेयर इंडियन अलॉट ना, तो आई नो कि हर एक कलर में एक अच्छी फुटवेयर रखना डिफिकल्ट हो जाता है, तो टेक अ बेज कलर और अ व्हाइट कलर एंड यू आर सॉर्टेड. तो ऐसा वीडियो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो लेट मी नो इफ दिस वॉज हेल्पफुल, और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो मैं और इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी ये सीरीज को. तो इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स डाउन, एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो very soon. Until then, goodbye.